हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप खाने बैठे हैं और मेहमान आ गए हैं, अब झटपट बनने वाला कोई चीज़ नहीं हमारे पास, तो क्या करें? तो पल्सेस तो हैं हमारे पास, तो चले उसका यूज़ करते हैं। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो झटपट भी बनती है और एकदम लाजवाब टेस्टी, सुपर टेस्टी होती है, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बताती हूँ आपको मैं क्या बना रही हूँ आज। इसके लिए हम लेंगे पीले मूंग की दाल, ये देखिए, प्याज, टमाटर, लहसुन खूब सारा, कड़ी पत्ता हो तो ले, तेल लेंगे और हरी मिर्चें लेंगे। कुछ तामझाम नहीं करना है और ऐसी सुपर स्वादिष्ट एक डिश बनेगी कि आपके मेहमान भी कहेंगे कि बस मुझे सब्जी नहीं खानी, मुझे तो यही खाना है। मैंने दाल को भिगा के रखा हुआ है। ये ऐसी डिश है, ऐसी दाल है जहाँ अगर आपने दाल को भिगाया भी नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसी तरह अपने पानी में बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, हम पहले गैस को कर लेंगे ऑन, उसमें डालेंगे हम तेल, आपकी मर्ज़ी भाई, आपको घी डालना है घी डालें, मैं तेल में बनाऊँगी इसे, थोड़ा अच्छा खासा तेल डालें। मैंने सुबह कटलेट्स बनाए थे, उसका तेल मैंने बचा के रखा था तो मैंने वो तेल यूज़ किया है इसमें। तेल को होने दीजिए थोड़ा सा गर्म। भारतीय खाने में राई, जीरा, ये सब तो पड़ता ही है, तो ये सब मान के ही चल रहा है, आपको राई डालनी है आप राई डालिए, आपको जीरा डालना है आप जीरा डालिए। हींग भी हमारे खाने में पड़ती ही है इसलिए उसका भी कोई इशू नहीं है, किसी तामझाम में नहीं पड़ना है। धनिया हो तो डालें, ना हो तो ना डालें, इसमें आप हरी मिर्च डालें, लाल मिर्च ना डालें तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। और कोई तामझाम नहीं चाहिए हमें, हमारे पास ये खाली बेसिक चीज़ें हैं, मेहमान आए हैं, आप इसको डालिए, बनाइए, खिलाइए। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो दोबारा कहेंगे हमें तो बस यही खिलाइए, बहुत ही खिले खिले बनेंगे। इसकी मज़ेदार बात सबसे ज़्यादा ये है कि इसे भिगाना नहीं पड़ता है, जब हम इसको इनके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो वो पानी में अपने आप पक जाता है, इतना आसान है इसको पकाना। तो देखिए ज़ीरा हो गया है, अब हम इसमें हींग डाल देते हैं, हींग से इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा, सुगंध भी अच्छी आएगी। और ये सारी चीज़ें हो जाएं तब, क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत ही तड़कता है इसलिए आई सजेस्ट कि कड़ी पत्ता आप प्याज के साथ ही डालें। मैंने ये जाली वाला चम्मच यूज़ किया है क्योंकि बाद में दाल को मैं उसी से स्ट्रेन करूँगी, आप अगर कोरीदार लेंगे तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए हमने डाल दिया है, यहाँ पे गरम तेल में पकाना है, कोई तेल, कोई मध्यम, कोई फुल आँच, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आप करते हैं, क्योंकि जल्दी है, हमें गेस्ट आ चुके हैं, सब्जी बनानी है फटाफट, तो हमारे पास वो समय नहीं है कि हम इसे दम पे पकाएं, तो हम इसे बनाएंगे फटाफट फटाफट। इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची रखना है इसे, और ये देख रहे हैं आपके सामने ही पक रहा है ये सारा। नमक वगैरह तो भाई हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हाथों से ही डालें, नमक तो चाहिए, तो आप कितना नमक डालें ये आप पे निर्भर करता है, आपको कितना नमक चाहिए, कोई झंझट, किसी चीज़ की कोई झंझट। ये ऑलमोस्ट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, ये कितनी जल्दी पक रहा है, ये लाइव है मेरा, ये आप देखते रहिए साथ में, नो कट, डाल दिया इसे पकाए, सफ़ेद प्याज, लाल टमाटर, हरे कड़ी पत्ते, थोड़ा येलो हिस्सा डाल इसमें, पसंद का पेस्ट, ये भी हो गया, लाएंगे इसे हम, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तापमान है तो कम कर सकते हैं, मैंने कहा आपकी इच्छा, अगर आपके मेहमान रुकना चाहते हैं हमसे करिए, अगर आपके मेहमान रुकना नहीं चाहते तो भी ये बन जाएगा पकाओ। देखिए फॉर्मल जूसेस निकलना शुरू हो गया है, हम इसमें डालेंगे अभी हरी मिर्ची,
हरी मिर्च अपनी मर्जी से डालें, आपको जितना तीखा चाहिए उतना डालें। हरी मिर्च डाल दी हमने इसके अंदर, थोड़ी देर और पकाएंगे। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। दाल ये मैंने भिगा दी थी, आप इसको अगर ऐसे कच्चा ही डालेंगे डाल सकते हैं, और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसे भाप पे पका सकते हैं अगर थोड़ा सा समय हो। थोड़ा गर्म पानी ले लें, इसमें दाल को 10 मिनट के लिए खाली डुबा के रखें तो भी कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर आपको इसमें हल्दी अगर डालनी है डालिए, नहीं डालनी है तो भी कोई इशू नहीं, यही पानी आप इसमें डाल देंगे। इसे हमें रसे वाला नहीं बनाना है, इसे हमें ड्राई बनाना है, रोटी परोठा के साथ खाने है। तो मुझे इसका ऐसा ही कलर पसंद है, आपको हल्दी डालनी है आप डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट नरम हो चुका है, देखिए ये ऑलमोस्ट नरम हो चुका है, देखिए मैं इसको नाखून से तोड़ सकती हूँ। अगर आप इसे कच्चा डालेंगे तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा उबालना पड़ेगा। इसे सारे के सारे दाने बहुत ही अच्छी तरह से टूट रहे हैं हाथ में, इसका मतलब ये पक चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, आप चाहें तो डैश ऑफ घी डाल सकते हैं ऊपर, फिला लें भाई, खूबसूरत सा उबाल आ रहा है, उबाल भी खूबसूरत लग रहा है मुझे तो। इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है ठीक। अब देखें अगर आपको इसमें ना हल्दी डालनी है तो वो भी कर सकते हैं, हम हल्दी डालें थोड़ी पिंच ऑफ हल्दी इसमें हम डालें अगर तो कैसा कलर आएगा। मुझे बिना हल्दी के पसंद है, आप इसे हल्दी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए ये हो गया है, अब इसे ये जब इस कंसिस्टेंसी पे है इसे हम कर देंगे बंद। क्यों? क्योंकि धीरे 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 ये पानी को सोख लेगा। ये हो गया है तैयार पूरी तरह से, इसी तरह की कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए, थोड़ी सी क्रंची। और ये हो गया आपका तैयार। अब इसमें आप धनिया डालें, हो तो डालें ना हो तो ना डालें। चले कर लेते हैं फिर इसकी हम प्लेटिंग अभी। चले दोस्तों हमारी मसालेदार मूंग दाल हो चुकी है तैयार, इसकी प्लेटिंग कर चुकी हूँ मैं। देखिए गर्मा गर्म परोठे के साथ आप स्क्वायर बनाएं, स्पाइरल बनाएं, ट्रायंगल बनाएं, कोई भी परोठे, लेकिन परोठे घी से लबालब होने चाहिए। ये है हमारी मूंग दाल, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरे पास कुछ मिंट लीव्स पड़े थे ऊपर तो मैंने वही डाले हैं इसमें, उसी की डेकोरेशन की है। आप देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़रूरी नहीं है हमें कि धनिया ही डालना है गार्निशिंग में, जो अवेलेबल हो वो डालिए, बी कम्फर्टेबल। तो आपको भी कभी झटपट बनाना हो तो बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। चलिए बाय बाय फॉर नाउ।